ये कहानी है एक ऐसे टीपॉट की जो दो लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल देता है और पता नहीं कितनी जिंदगी इस टीपॉट ने बर्बाद की है। इस मूवी का नाम है द ब्रास टीपॉट। फिल्म स्टार्ट होती है जॉन और एलिस के गुड मॉर्निंग से। फिर जॉन अपनी साइकिल पे अपने ऑफिस जाता है। वहां पर हमें पता चलता है कि जॉन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, इसीलिए उसका बॉस उसे समझाता भी है। दूसरी तरफ एलिस जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है। उसके बाद एलिस घर आ जाती है तो वहाँ पर उनके घर का लैंडलॉर्ड उनके घर का रेंट लेने आता है। उसका नाम आर्मी होता है। आर्मी जॉन और एलिस के कॉलेज में साथ ही पढ़ता था एंड तब से वो एलिस को पसंद करता है और जॉन से नफरत। अब एलिस उसे एक चेक देती है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, लेकिन जाते वक्त आर्मी जॉन का मजाक भी उड़ाता है। रात को वो दोनों कॉलेज के दोस्तों की पार्टी में जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन दोनों को कोई भी भाव नहीं देता। फिर उस पार्टी में चक और उसकी वाइफ लुईस आती है। चक जॉन का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो दोनों मिलकर साथ में बहुत बियर भी पीते हैं। अब इस मोमेंट पे हमें ये रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों अपनी लाइफ में लूजर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे ये दोनों अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं और कार में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों लकीली बच जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर पुलिस भी आती है। तभी एलिस को कुछ दिखाई देता है। वो एक ओल्ड लेडी को देखती है जो एक ड्रम से एक कीमती टी पॉट निकाल रही थी, तो एलिस उसका पीछे करते हुए उसकी एंटीक शॉप में चली जाती है। एलिस अभी शॉप में उस टी पॉट को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और मौका देखकर उसे चुरा लेती है। फिर गाड़ी लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एलिस इस टी पॉट को पाकर बहुत खुश होती है, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी उस टी पॉट को अपने पास ही रखती है। अब अगले दिन एलिस जॉब के सिलसिले में किसी को कॉल कर रही होती है और साथ ही साथ अपने बालों को भी स्टाइल कर रही होती है, और इसके चक्कर में एलिस को एक शॉक लगता है। तभी टी पॉट में कुछ हलचल होती है और इसको एलिस नोटिस भी करती है। जब एलिस टी पॉट में चेक करती है तो उसे $200 मिलते हैं। इससे एलिस को ये लगता है कि जो पेन उसे हुआ है इस वजह से टी पॉट ने उसे ये पैसे दिए हैं। फिर वो इस बात को कन्फर्म करने के लिए फिर से अपने आप को एक शॉक देती है तो टी पॉट उसे फिर से पैसे देता है। इसके बाद एलिस अपने आप को तरह तरह से टॉर्चर कर काफ़ी सारे पैसे कमा लेती है। एंड वहीं दूसरी तरफ जॉन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि जॉन को काम ठीक से करना नहीं आता है। फिर जॉन अपने घर पर आता है। वहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। वहाँ पर उसे खून भी दिखता है। ये देखकर जॉन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि उनके घर में कोई चोर घुस चुका है और उसे एलिस की चिंता होने लगती है, लेकिन एलिस बिल्कुल ठीक होती है। यहाँ पर जॉन एलिस की बहुत बुरी हालत देखता है और जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर लिया है। अब जॉन एलिस को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है, जिसके बाद एलिस उसे टी पॉट दिखाती है और अब तक उसने जिस तरह से पैसे कमाए वो उसे सब बताती है। लेकिन जॉन एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता तो एलिस उसे कस के चांटा मारती है, जिसके बाद तुरंत टी पॉट के अंदर पैसे आ जाते हैं और वो पैसे वो जॉन को दिखाती है, लेकिन जॉन को फिर भी विश्वास नहीं आता। फिर एलिस उसे एक बार और जोर से मारती है और टी पॉट से पैसे बरसने लगते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर एलिस कहती है कि ये भगवान का दिया एक गिफ्ट है जो कि भगवान ने हम दोनों को दिया है। एलिस यहाँ पर जॉन को ये भी कहती है कि इस टीपॉट की मदद से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ में अब हमें कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा आइडिया है, इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है। अगली सुबह जॉन एलिस के लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उस टीपॉट को वापस करने जा रहा है, लेकिन वो एंटीक शॉप बंद होती है। इसके बाद जॉन इस टीपॉट का सही प्राइस जानने के लिए एक मशहूर टीवी प्रोग्राम के पास जाता है जो कि अपने एंटीक सामानों के लिए मशहूर होता है, लेकिन इस वजह से एक चाइनीज़ आदमी की नज़र इस टीपॉट पर पड़ जाती है और इस आदमी को देखकर हमें ये पता चलता है कि वह इस टीपॉट को बहुत समय से ढूंढ रहा है। फिर जॉन घर पर वापस आने के बाद एलिस से ये प्रॉमिस लेता है कि जब हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगेंगी तो हम इस टीपॉट का यूज़ करना बंद कर देंगे, और एलिस भी इस बात पर मान जाती है और उसे प्रॉमिस कर देती है। अब ये दोनों तय करते हैं कि ये $1 million कमाएंगे। फिर वो दोनों अलग अलग तरीके से अपने आप को पेन देकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और थोड़े ही समय में वो अपना सारा लोन चुका देते हैं। तभी उनके डोर पर कोई आ जाता है तो एलिस टी पॉट को छुपा देती है। बाहर उनके गेट पर दो ट्विन ब्रदर्स होते हैं और अचानक से ही वो दोनों जॉन को मारने लगते हैं। दरअसल उस ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई थी और मरने से पहले उसने कहा था कि टी पॉट चोरी हो गया है, और तब से उसके ग्रैंडसन्स उस टी पॉट को ढूंढ रहे हैं और टीवी से उन्हें पता चला कि टी पॉट जॉन के पास है। तो अब वो दोनों अपना टी पॉट जॉन से मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिस जॉन को बचाने के लिए कहती है कि
कि उन्होंने टीपॉट बेच दिया है तो इसके बदले वो पैसे मांगते हैं। तो एलिस उन्हें यहाँ पर पैसे लाकर दे देती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन यहाँ पर एलिस को कहता है कि अब हमें इस टीपॉट के बारे में कुछ जानना होगा। फिर वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक टीपॉट की किताब मिलती है। किताब पढ़ने से इन्हें पता चलता है कि यह टीपॉट 2000 साल पुराना है और इस बुक में इस टीपॉट के खतरों के बारे में भी लिखा होता है। तो एलिस इस पेज को देखकर जल्दी से फाड़ देती है और उसे अपने बैग में डाल लेती है। फिर जॉन भी उस किताब को पढ़ता है तो एलिस कहती है कि यह किताब बहुत पुरानी है और हमें इस किताब पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब एलिस की ये बातें सुनकर जॉन भी शांत हो जाता है और इसके बाद वो अपने सारे सपने पूरे करने लगते हैं और एक महंगा सा घर भी लेते हैं। वहाँ पर वो एक पार्टी भी रखते हैं लेकिन तभी उनके डोर पर वही चाइनीज आदमी आ जाता है। इस आदमी का नाम ली होता है और वो एलिस और जॉन से टीपॉट के बारे में उनसे बात करना चाहता है। तो इस पर जॉन कहता है कि उसे एक बार एलिस से बात करनी होगी। जॉन एलिस से कहता है कि शायद उन्हें डॉक्टर ली की बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन एलिस कुछ सुनना नहीं चाहती। तो वो दोनों डॉक्टर ली को ये झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने टीपॉट को बेच दिया है। तो यहाँ पर डॉक्टर ली उन्हें टीपॉट के खतरों के बारे में वार्न करते हैं लेकिन एलिस कुछ सुनने की बजाय डॉक्टर ली पर ही चिल्लाने लगती है। अब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो इन्हें देख रहा होता है और वो और कोई नहीं आर्मी होता है। आर्मी इन दोनों के ऐश और आराम को देखकर इनसे जलने लगता है, इसीलिए आर्मी उन दोनों को तंग करने के लिए जॉन के हाथों से टीपॉट छीनकर वहां से भागने लगता है और अपने ट्रक के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन नीचे एलिस उसे टीपॉट लौटाने के लिए कहती है लेकिन आर्मी उन दोनों को परेशान करने के लिए उस टीपॉट को रोड पर फेंक देता है और अपने ट्रक से उसे कुचल देता है। अब जॉन और एलिस जल्दी से टीपॉट के पास जाते हैं लेकिन उस टीपॉट पर एक भी खरोंच नहीं होती है। और इसके बाद जॉन एलिस को कहता है कि अगर हमें इस टीपॉट के बारे में जानना है तो हमें डॉक्टर ली से मिलना ही होगा। और इसके बाद वो डॉक्टर ली के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर ली ने बताते हैं कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और इस टीपॉट ने इतिहास के बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तो ये टीपॉट उसे बाहर निकाल लेगा। तो जॉन डॉक्टर ली से पूछता है कि इस टीपॉट को डिस्ट्रॉय किस तरह से किया जा सकता है। तो डॉक्टर ली कहते हैं कि ये टीपॉट अनब्रेकेबल है, तुम ये टीपॉट मुझे दे दो और मैं इस टीपॉट को पूरी दुनिया से छुपा लूंगा और मैं इसे एक ऐसी जगह पर रख दूंगा जहां पर मैं खुद भी इसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन इस बात पर एलिस एग्री नहीं करती, उसे लगता है कि वो दोनों इस टीपॉट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जॉन यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि जब उनकी लाइफ में टीपॉट नहीं था तब एलिस कुछ और थी और जब से उनके पास ये टीपॉट आया है तब से एलिस कुछ और है। और यहाँ पर डॉक्टर ली की बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी कि ये टीपॉट अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल लेता है। अब रात को सोते वक्त एलिस को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनके घर के अंदर वही ट्विन ब्रदर्स होते हैं। जॉन और एलिस टीपॉट के साथ बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ पर ट्विन ब्रदर्स को पहले से ही पता होता है कि इन दोनों के पास टीपॉट है। तो जॉन यहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें पहले भी पता था कि हमारे पास टीपॉट है तो तुमने टीपॉट की बजाय पैसे क्यों लिए। तो अब ये दोनों यहाँ पर बताते हैं कि वो दोनों इसकी पावर से डरते हैं इसीलिए वो लोग टीपॉट को लेना नहीं चाहते हैं, हमें तो सिर्फ पैसे ही चाहिए और उस राक्षस को तुम ही रखो। लेकिन ये देखकर एलिस एग्रेसिव हो जाती है और उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर जॉन भी बेहोश हो जाता है और एलिस अकेले ही उन दोनों से लड़ने लगती है तो ब्रदर्स एलिस को भी बेहोश कर देती है। अब अगले दिन जब जॉन उठता है तो एलिस रो रही होती है और एलिस रोते रोते जॉन को कहती है वो लोग सारा पैसा ले गए। तो यहाँ पर जॉन कहता है कि हम फिर से पैसा कमा लेंगे। अब एलिस फिर से अपने आप को हार्म करके पैसे कमाने लगती है जो बहुत कम होते हैं। लेकिन इससे जॉन समझ जाता है कि हम जैसे जैसे इस टीपॉट को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे टीपॉट पैसे कम देने लगता है। अब जॉन की पैसे कमाने की बारी आती है तो वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर जॉन जानबूझकर झगड़ा करता है। वहाँ पर वो शख्स जिसे जॉन जानबूझकर लड़ता है उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। अब जॉन से मिलने के लिए फिर से डॉक्टर ली आते हैं। डॉक्टर ली यहाँ पर जॉन को कहते हैं कि ये टीपॉट तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जॉन कुछ नहीं समझता। दूसरी तरफ एलिस एक जगह पर बैठी होती है, तब वहाँ एक लड़का अचानक से गिर जाता है तो उसके गिरने की वजह से टीपॉट एलिस को पैसे देता है। इसका मतलब ये था कि टीपॉट के मालिक के अलावा अगर किसी को भी पेन होगा तो टीपॉट उन्हें पैसे देता है। ये बात एलिस तुरंत घर जाकर जॉन को भी बताती है। तो वह ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर दूसरे लोगों को बहुत पेन होता है और इसी वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं।
अब वो दोनों कार में होते हैं और एलिस ड्राइव कर रही होती है और वो और भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है और यहाँ पर एलिस के सिर पर पागलपन सवार होता है और वो इस आदमी पर गाड़ी चढ़ाने वाली होती है, लेकिन जॉन टाइम पर हैंडल को मोड़ लेता है। अब जॉन को लगता है कि ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और वो ये सब रोकना चाहता है। इस वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और एलिस कार से नीचे उतर जाती है और तभी वहाँ पर टी पॉट में से पैसे बरसने लगते हैं। अब इससे एलिस को ये समझ में आ जाता है कि जब भी किसी को मेंटली पेन भी होगा, ये टी पॉट तब भी उसे पैसे देगा। अब वो दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताने लगते हैं। यहाँ पर जॉन को एलिस के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो शादी से पहले आर्मी के साथ इंटीमेट भी हुई थी। इस वजह से जॉन को बहुत बुरा लगता है। अब जॉन आर्मी के घर झगड़ा करने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा आर्मी ही जॉन को पीट देता है। तभी उसकी नज़र टी पॉट पर पड़ती है और वो उसके अंदर पैसों को भी देखता है। तभी एलिस इस टी पॉट को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब आर्मी को भी ये टी पॉट पसंद आ जाता है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग लोगों के झगड़े कराकर खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन एलिस का इससे भी मन नहीं भरता और वो जॉन से कहते हैं कि हम किसी बुरे आदमी को मार देते हैं तो हमें काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे एंड इसके बाद हम टी पॉट को यूज़ करना बंद कर देंगे। वो लोग अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गड्ढा भी खोद देते हैं, लेकिन ये बात जॉन को पसंद नहीं आती। यहाँ पर एलिस का बिहेवियर और ज़्यादा बुरा हो चुका होता है। अब जॉन एलिस को टी पॉट और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, लेकिन एलिस जवाब नहीं देती, मतलब उसका आंसर टी पॉट था। अब जॉन डॉक्टर ली के घर जाता है और उनसे मदद मांगता है और पूछता है कि एलिस को कैसे रोका जाए। तो डॉक्टर ली कहते हैं कि उसे रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एलिस को अब तुम्हें ही हैंडल करना होगा। जब भी कोई टी पॉट को चुरा लेता है तो टी पॉट उस शख्स पर कब्जा कर लेता है और इस पावर से बचने के लिए तुम्हें खुद से उस टी पॉट को मेरे हवाले करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जिसे अपने आईने में वही ओल्ड वुमेन दिखाई देती है और वो घबरा जाती है। उसे अपने बेड पर किताब का वार्निंग वाला पेज भी दिखता है। अब रात को जॉन एलिस से कहता है, या तो तुम इस टी पॉट को छोड़ दो वरना मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। तो एलिस उसे प्रॉमिस करती है, लेकिन जॉन को ऐसा लगता है एलिस अपना प्रॉमिस सीरियसली नहीं कर रही है, तो वो विंडो से कूद जाता है, लेकिन जॉन बिल्कुल ठीक होता है। ये देखकर एलिस भी अपनी गलती को मान जाती है और वो भी इस टी पॉट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को सोते समय इनके घर में कोई अनजान आदमी आ जाता है। अब जॉन नीचे आता है और टी पॉट उसे वहाँ पर नहीं दिखता और बाहर से आर्मी के ट्रक को जाते हुए देख लेता है, मतलब आर्मी ने उस टी पॉट को चुराया है। और इस बात पर एलिस जॉन से कहती है, जाने दो, वैसे भी हमें उस टी पॉट को छोड़ना ही था। लेकिन जॉन कहता है कि हमें किसी तरह से इस टी पॉट को वापस लाकर डॉक्टर ली को देना होगा। अब अगले दिन ये दोनों आर्मी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर उन्हें खून दिखाई देता है। तभी पीछे से आर्मी गन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को शूट करने वाला ही होता है। तभी जॉन आर्मी के हाथ पर मारता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर आर्मी की वाइफ ब्रैंडी भी आ जाती है और वो दोनों एलिस और जॉन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ट्विन ब्रदर्स भी पहुँच जाते हैं और अपने टी पॉट को आर्मी से मांगते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देते तो वो ब्रदर्स आर्मी को शूट कर देते हैं। अब उन चारों के बीच गन फायरिंग होने लगती है और एलिस और जॉन सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अब अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और जब ये दोनों चेक करते हैं तो चारों लोग मारे जा चुके थे और चारों तरफ पैसे ही पैसे बिखरे हुए होते हैं। अब वो दोनों पैसे और टी पॉट को लेकर बाहर आते हैं तो बाहर डॉक्टर ली खड़े होते हैं, तो एलिस उनके हवाले टी पॉट कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस को एक लेटर आता है। यहाँ पर एलिस ने अपने सारे पैसे लुइस के नाम कर दिए होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ली द ब्रास टी पॉट को समुद्र की गहराइयों में नीचे छोड़ देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द ब्रास टी पॉट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।